जॉइंडिस इज नॉट एनी डिजीज, जॉइंडिस इज जस्ट अ साइन। लिवर सेल्स बिलीरुबिन को प्रोसेस नहीं कर पा रही है। अभी एक तो आप किसी गलत ट्रीटमेंट से बचे। मेरा मानना यह है कि हर किसी को बॉडी की बेसिक मैकेनिज्म पता होना चाहिए। लिवर की डिजीजेस कभी कभी बहुत ज्यादा सीवियर हो जाती है, पेशेंट की हालत सीरियस भी हो सकती है। हेलो एवरीवन, आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको बताने जा रही हूँ, जॉइंटिस। हिंदी में इसे पीलिया कहते हैं और हमारे देश में कई हिस्सों में आज भी लोग मानते हैं कि झड़वाने से पीलिया ठीक हो जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा अंधविश्वास है। जॉइंटिस इज नॉट एनी डिसीज, जॉइंटिस इज जस्ट अ साइन। माने पीलिया यानी जॉइंटिस कोई बीमारी नहीं है, ये किसी बीमारी का साइन है। पहले हम जानते हैं कि आखिर पता कैसे चलता है कि किसी को जॉइंटिस है। अगर लोगों की समझ के हिसाब से देखा जाए तो जब उन्हें अपनी आंखें पीली नजर आती हैं, या उन्हें कहीं स्किन में पीलापन नजर आता है, या कभी कभी वो नोटिस करते हैं कि यूरिन का कलर येलो हो रहा है, तो उन्हें शक होता है कि उन्हें जॉइंटिस है। डॉक्टर को पीलिया का शक कब होता है? जब पेशेंट आता है कि कंप्लेन लेकर, उसे भूख नहीं लग रही है। जब डॉक्टर एग्जामिनेशन करते हैं तो बहुत इजीली देख पाते हैं जॉइंटिस को। लेकिन अगर जॉइंटिस बहुत कम है और क्लिनिकली नहीं दिखाई दे रहा, तो एक टेस्ट होता है सीरम बिलीरुबिन, जिसमें ब्लड का सैंपल देना होता है और लैब से रिपोर्ट आने पर पता चलता है कि सीरम बिलीरुबिन का लेवल ब्लड में कितना है। नॉर्मल सीरम बिलीरुबिन का लेवल होता है अप टू 1, और 1.3 तक भी कंसीडर करते हैं कहीं तो अप टू 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर इससे ज्यादा होता है तो जॉइंटिस, माइल्ड जॉइंटिस, मॉडरेट जॉइंटिस, सीवियर जॉइंटिस। अब समझते हैं कि ये बिलीरुबिन आखिर बॉडी में बढ़ता क्यों है। ज्यादातर केसेस में जॉइंटिस का जो रीजन होता है वो होता है लिवर का काम ना कर पाना ढंग से। किसी भी वजह से लिवर सेल्स काम नहीं कर पाती हैं ढंग से, इसलिए वो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में कन्वर्ट नहीं कर पाती और वो बॉडी से पास आउट नहीं हो पाता। अब लिवर में क्या क्या हो सकता है? लिवर में एल्कोहलिक लिवर डिसीज हो सकती है ज्यादा शराब का सेवन करने से, या लिवर सिरोसिस हो सकती है, या फिर हिपेटाइटिस हो सकती है। कुछ मेडिसिन होती हैं जो कि लिवर डैमेज करती हैं, हिपेटोटॉक्सिक कहते हैं जिन्हें। ऐसा भी हो सकता है कि लिवर तो नॉर्मल है लेकिन बिलीरुबिन का लोड इतना ज्यादा हो गया कि वो लिवर सेल्स उसे संभाल ही नहीं पा रही। सोचिए ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा ऐसे हो सकता है कि आरबीसीज का ब्रेकडाउन बहुत ज्यादा बढ़ गया हो, जिसमें आरबीसीज इतनी तेजी से टूटती हैं कि नॉर्मल लिवर सेल्स उसे संभाल नहीं पाती और इतना ज्यादा बिलीरुबिन बनता है कि वो उसे प्रोसेस करने में काबिल नहीं हो पाती हैं। थर्ड केस ये हो सकता है कि नॉर्मल ब्रेकडाउन हो रहा है आरबीसीज का और लिवर सेल्स भी नॉर्मल है, प्रोसेसिंग हो गई है, लेकिन आगे कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, जैसे कि गॉलब्लैडर स्टोन्स हो सकते हैं या फिर बाइल डक्ट में कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन है। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंटिस। जॉइंटिस कोई डिसीज नहीं है, जॉइंटिस इज अ साइन ऑफ अ डिसीज। ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि कॉज क्या है। साथ में सबसे जरूरी है कि लिवर सेल्स को रेस्ट देना है। जॉइंटिस माइल्ड होता है, हल्का होता है और वो रेस्ट से ठीक हो जाता है। रेस्ट माने पेशेंट को रेस्ट भी करना है और खाने में परहेज करना है। कॉम्प्लिकेटेड डाइट नहीं लेनी है, फैट नहीं लेना है, प्रोटीन्स भी अवॉइड करने हैं, बिल्कुल सिंपल शुगर्स देनी है, क्योंकि सिंपल शुगर जाएगी तो लिवर को प्रोसेस करने की जरूरत ही नहीं होगी, सेल्स को रेस्ट मिल पाएगा। जॉइंटिस को अवॉइड कभी नहीं करना चाहिए, पेशेंट की हालत सीरियस भी हो सकती है, इसलिए ध्यान रखना है और प्रॉपर ट्रीटमेंट करना है, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। मैंने कोशिश की है कि मेडिकल लैंग्वेज को बहुत इजीली एक्सप्रेस करूँ, क्योंकि मेरा मानना यह है कि हर किसी को बॉडी की बेसिक मैकेनिज्म पता होना चाहिए ताकि वो अपनी बीमारी को बेहतर समझ सके। बेहतर समझेंगे तो बेहतर ट्रीटमेंट होगा, ताकि एक तो आप किसी गलत ट्रीटमेंट से बचें, एक आप सेल्फ मेडिकेशन से बचें, एक आप बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन से बचें, आपका टाइम बचे, आपके पैसे बचे, आपकी एनर्जी बचे। अगर आप कमेंट बॉक्स में अपने वर्ड्स लिखते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आपकी बात मुझ तक पहुँचाने का माध्यम वही है। एंड आई होप कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे ऑसम।